पहाड़ है, पेड़ है, बर्फ है, पानी है, नदी है, मौसम है, माहौल है। लोग आए हैं YouTube के द्वारा वर्ल्ड फेमस किए गए तांडी के पेट्रोल पंप पे। यहाँ से होते हुए पहले नीचे उतरेंगे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज तीसरा दिन है। शिशु में रुके थे, होम स्टे ठीक ठाक होम स्टे है। नज़ारे बदल रहे हैं, अच्छे नज़ारे। सुबह के बज रहे हैं 7, दिन हो रहा है 27 जून का। अब हम कोशिश कर रहे हैं ले पहुंचने की, आज निकलेंगे यहाँ से ले पहुंचने की। आई डोंट नो कितना इसमें कैमरे में आ पाता है, बट बहुत अच्छे नज़ारे। चलिए शुरू करते हैं। से केलोंग के रास्ते पे दोस्तों नज़ारे एकदम अद्भुत है। पहाड़, बहुत ऊंचे पहाड़, जमी हुई बर्फ, बर्फ से पिघल के आता हुआ पानी, नदी, सुंदर नज़ारा, हरे भरे पहाड़। आप देखो झरना बह के आ रहा है, उसके ऊपर अगर मैं दिखाऊं तो बर्फ़ दिखेगी, बर्फ के बाद आपको दिखेंगे शानदार पहाड़ जो कि आसमान को छूते, बादलों को छूते हैं। नज़ारे एकदम अद्भुत, मन ही नहीं करता है यहाँ से जाने का। अभी हम लोग शिशु से निकले हैं, रास्ते में बहुत फोटोग्राफी कर रहे हैं क्योंकि व्यूज़ जो है ना बड़े ज़ोरदार हैं। पीछे आप देख रहे होंगे, पता नहीं कैमरे से कितना आता है, पहाड़ हैं, पेड़ हैं, बर्फ़ है, पानी है, नदी है, मौसम है, माहौल है, मस्त है। अभी हम लोग आए हैं YouTube के द्वारा वर्ल्ड फेमस किए गए तांडी के पेट्रोल पंप पे, जो जिस पर लिखा है कि नेक्स्ट फिलिंग स्टेशन 365 किलोमीटर आ है। बहुत फेमस किया गया है भाई। पर लास्ट अपडेट ये है कि शायद इसके आगे एक और खुल गया है, उसको हम फेमस कर देंगे। तांडी के आगे दोस्तों केलोंग में भी एक नया पेट्रोल पंप खुल गया है, लेकिन उसके बाद जो अगला पेट्रोल पंप पड़ता है वो लेह में पड़ता है, लगभग 360 किलोमीटर के आगे। बाकी जैसे ही निकले हैं केलोंग से, हरे भरे पहाड़ छोड़ के बर्फ़ से ढके पहाड़ दिख रहे हैं, हरियाली गायब होती हुई, टोपोग्राफी कंप्लीट चेंज होती हुई, पहाड़ एकदम काले पहाड़, बगल में नदी बहते हुए, नज़ारे एकदम बदल जाते हैं। पहाड़ अपना रंग बहुत जल्दी बदलते हैं यहाँ पे। आप देखेंगे आगे कि हर जगह पहाड़ अपना रंग बदल रहे हैं, ऊंचाई बदल रही है, बाइकर्स दिखने लगे हैं जो कि यहाँ का मेन अट्रैक्शन है, आर्मी के ट्रक्स काफ़ी दिखते हैं, आर्मी का मूवमेंट काफ़ी दिखता है। बाकी इतने अद्भुत नज़ारे हैं। हम रुके हैं जिंगजिंगबार 12 लाचा से 18 किलोमीटर पहले, खाएंगे अपनी मैगी पहाड़ों वाली। धीरे हम पहाड़ों की चढ़ाई चढ़ने लगे हैं दोस्तों, कंप्लीट बर्फ़ दिखने लगी है, और जैसे जैसे 12 लाचा पास के आने की उम्मीद बढ़ती जा रही है, एक्साइटमेंट भी बढ़ता जा रहा है, नज़ारे भी चेंज होते जा रहे हैं, रास्ता और ऊंचाई पे जाता जा रहा है, डिफ़िकल्ट भी होता जा रहा है।
हम अभी पास हो रहे हैं बारालाचा पास से, जो लेह मनाली का सबसे ऊंचा पास है। यह है दोस्तों सरचू, सरचू के बेस कैंप। यहाँ से नज़ारे फिर से बदल जाते हैं, मतलब पहाड़ बर्फ़ दिखती नहीं है, टोपोग्राफी एकदम चेंज हो जाती है। भाई गया एंट्री कराने, बारालाचा से निकल के आगे आ गए काफ़ी। अभी ले है 251, कारगिल 475। क्या हुआ क्या हुआ? एंट्री कर रहे थे। अच्छा एंट्री कर रहे थे, कल नाम लिखा है। हिमाचल की एंट्री थी। हाँ ये शायद मेरे लेह लद्दाख की। ओके अभी हम लोग गाटा लूप चढ़ रहे हैं, टोटल 21 लूप्स हैं। इस टाइप से लूप है ये चढ़ाई, लगभग ये लूप जाके खत्म होते हैं, काफी ऊपर जाके खत्म होते हैं, नीचे से आ रहे हैं 21 बार ऐसे लेफ्ट राइट हो रहा है भैया। ले मनाली के रूट पे सरचू के बाद पड़ते हैं ये गाटा लूप्स, पांग से पहले और सरचू से, क्योंकि बारालाचा पास करने के बाद गाड़ी काफ़ी, मतलब हम लोग काफ़ी डिसेंड कर जाते हैं, नीचे आ जाते हैं, फिर टोपोग्राफी बिल्कुल चेंज हो जाती है जैसा आपने पहले वीडियो में देखा होगा। उसके बाद वापस एल्टीट्यूड इन लूप से अचीव होता है, 11 लूप हैं। आप देखिए अगर रोड आपको दिख पाए तो वहाँ से हम लोग चढ़ते हुए आ रहे हैं रिवर बेड से, चढ़ते हुए आ रहे हैं और अभी काफी ऊपर तक जाना है। ये एक और पास, नकीला पास हम लोग पार करते हुए पहुंचना है हम लोगों को पांग, फिर आएंगे मोरे प्लेन। लेट्स सी, देखते हैं। अभी यहाँ से होते हुए पहले नीचे उतरेंगे और फिर सामने वहाँ कहीं पहाड़ से एग्जिट, पहले इधर नीचे जाएंगे फिर यहाँ से होते हुए वहाँ कहीं एग्जिट मारेंगे। रुके हैं हम लोग, ये जगह है बाइकर्स गैंग रुका हुआ है। ये भाई अपना मैगी चाय के लिए ऑर्डर कर रहा है, जो जाना है वो दिखाता हूँ यार आप लोगों को, जो मेरे को लग रहा है कि पूरा यहाँ से घूम के वहाँ कहीं एग्जिट है। लेट्स सी कितना दिखा पाता है। ये एक गाड़ी जा रहा है, ये यहाँ से कहीं से
दोस्तों माफ़ी चाहूँगा कि पांग के बाद के वीडियो ज़्यादा है नहीं, हम लोग ले पहुँच गए और आज रुकने का ठिकाना है ये डेजर्ट ओएसिस रेजिडेंस। इस लोकेशन की सबसे अच्छी फ़ायदा ये है कि ये मार्केट के करीब है, हर जगह के करीब है वॉकिंग डिस्टेंस पे, तो आप लोग रुक सकते हैं। आगे की वीडियो इसलिए नहीं आई कि थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी, जैसा कि सबको पता है पहाड़ों पर होती है। आज हम रुके हैं अंकल के पास। अंकल बहुत ही स्वीट है, बहुत ही हेल्पिंग नेचर है। आप आइए, इनका नंबर मैं डाल रहा हूँ उसमें, फ़ोटो में, वीडियो में आपने देखा होगा। आइए, अभी कंस्ट्रक्शन हो रहा है पर रूम बहुत अच्छे हैं अंकल। आज की जर्नी हम लोगों ने शिशु से लेह तक की थी, थोड़ी आज दिक्कत हो गई थी, इवन अभी भी हो रही है। शिशु से चले, केलोंग पड़ा, जिस्पा पड़ा, बहुत अच्छा व्यू आता है। ब्लॉग में भी आप देख रहे होंगे कि बहुत ही अच्छा व्यू, ग्रीनरी है। देन आप बारालाचा आते हैं। बारालाचा काफ़ी हाइट पे है, मतलब वन ऑफ द हाईएस्ट पासेस में से एक है। बारालाचा के बाद कभी अप कभी डाउन सर्किल, देन एक जगह है पैंग। पैंग से पहले हम लोग रुके थे। पैंग के बाद मुझे हेडेक, चेस्ट हैवीनेस इन चेस्ट हो गया, तंगलाला, मतलब देन अगेन हायर देन और बारालाचा। और पैंग से पहले पड़ता है अपना गाटा लूप्स, जो कि बहुत फेमस है। 21 लूप पड़ते हैं उसके अंदर, और बहुत ही लंबा लूप है, बहुत ही हाइट अटेंड कर लेते हैं आप सडनली। सरचू के बाद पड़ता है वो बेसिकली, पैंग से पहले, सरचू से के बाद। तंगलाला उतर के एक दो जगह वॉमिट हुआ और फिर तबीयत ख़राब हुआ, तो आगे का ब्लॉग नहीं बना पाया। एक ब्लॉग पूरा बनाएंगे जिसमें बताएंगे कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कुछ चीज़ें हमने सीखी, कुछ समझी, ड्राइविंग में क्या चीज़ करनी चाहिए, हेल्थ रिलेटेड क्या चीज़ करें नहीं करें, कहाँ कितना ब्रेक लें, कैसे ब्रेक लें। एक वीडियो मैं पूरा इस पर बनाऊँगा जब ये ट्रिप पूरा कम्प्लीट हो जाएगा। आज हम लोग ऑलमोस्ट काफ़ी लेट हो गया है, मतलब होम स्टे का डिटेल मैंने आपको दे दिया, ले लिया था, कोई रुके हुए थे क्योंकि रात को इतना लेट आके कुछ मिलता नहीं है, तो जो मिला वो ले लिया हम लोगों ने। एडवाइजेबल है, आप लोग रुक सकते हैं। अंकल हैं, भट अंकल करके हैं, बहुत अच्छे हैं। खाना वाना नहीं है, खाना आपको बाहर देखना पड़ेगा। हम लोगों ने भी खाना बाहर देखा है, अभी रात के 10-11 बज चुके हैं। शिशु से जो लेह का आज जर्नी था, ट्रिप था, टफ था है, बट जिनको भी शौक है गाड़ी चलाने का, थोड़ा बहुत एडवेंचर करने का, मस्ट मस्ट। लेह पहुंचने के सेफेस्ट तरीके और भी हैं, फ्लाइट से आ सकते हो, एक दो दिन एक्लेमेटाइज हो सकते हो, श्रीनगर होके आ सकते हो, अल्टीट्यूड ग्रेजुअली इंक्रीज होता है तो लोग कहते हैं आप एडजस्ट हो जाते हो, बट जो फन है, जो थ्रिल है, वो इसी रोड का है। बारालाचा से ऑलमोस्ट तंगलाला तक रोड खराब, टूटा हुआ, और तंगलाला के बाद लेह तक रोड अच्छा है, लेकिन मतलब रात में अवॉइड कीजिएगा ड्राइविंग करना, क्योंकि सडनली अंडुलेटिंग रोड्स हैं, रात में ड्राइव करना ठीक नहीं है। हम लोग लेट हो गए आते आते। तो दोस्तों आज का ब्लॉग इतना ही, कल लोकल ले ट्रिप करेंगे, देखेंगे कैसा है ले। चलिए आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं, फिर मिलेंगे कल। तब तक गुड नाइट, शब खैर, ध्यान रखिएगा, देखते रहिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।